यही तो आफत है, अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत लिख भी लेते हैं, और कुछ कुछ तो मुझे समझ में भी आने लगा है, पर ये बोलना हमसे भी नहीं हो पाता। कहीं ये तरीका तो गलत नहीं है? अरे मुझे तो पहले से ही शक था इस पे। जब हमारे शहर के बड़े बड़े कोचिंग सेंटर वाले हमें अंग्रेजी बोलना नहीं सिखा सके तो हमारे इस गांव के कोचिंग क्लास से क्या होगा? कट गई ना एक दोस्त के सामने। मैं तो आज सर से ही पूछूंगा कि हमें अंग्रेजी बोलना आखिर आ क्यों नहीं रहा है। ये सर क्यों नहीं आया अब तक? सर फरार हो गए जी। क्या? और नहीं तो क्या? कुछ भी बोलते हो आप यूवी भैया। अच्छा ये बताओ तुम लोग, इतने दिनों से हम लोग यहां पर आ रहे हैं, अब तक कितना अंग्रेजी बोलना सीख लिया हम लोग? हम तो आप दोनों से बहुत पीछे चल रहे हैं, हमें तो अभी तक एक लाइन भी बोलना नहीं आता अंग्रेजी में। अरे कहां से बोल पाएंगे, कोई सिखाएगा तब ना। यहाँ आए हैं तो सीख ही जाएंगे ना हम। तुमको तो जैसे बड़का आ गया अंग्रेजी बोलना ना। अब ज्यादा नहीं आया लेकिन जितना सिखाया वो सब याद है। उतना तो हमें भी याद है, लेकिन अगर कोई बोल दे कि अंग्रेजी में बात करके दिखाओ तो हमको तो जैसे साफ सूझ जाता है। अरे दीदी आ जाएगा सब धीरे धीरे। बड़ा आ जाएगा, कहां से आएगा, कुछ नहीं आएगा। भैया आप ना बिना बात का टेंशन पाल लेते हैं। सही तो कह रहे हैं। अच्छा तुम बताओ कितना आ गया अब तक तुमको अंग्रेजी? हम सीखे मतलब किसी चीज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे टेबल कहते हैं, इसे टेबल क्लॉथ कहते हैं, और वो बढ़नी को ब्रूम कहते हैं, और फिर उसे कहेंगे कि टेबल लैम्प इज ऑन द टेबल, बुक्स ऑन द टेबल। ये सब आना तो कोई बड़ी बात है नहीं, सब चीजों का नाम तो थोड़ा मोड़ा हमें पहले से आता था। अच्छा एक काम करो, हमसे अंग्रेजी में बात करके दिखाओ, पर ध्यान रखना एक भी शब्द हिंदी का मत बोलना, चलो। अरे भैया हमें सब आता है लेकिन सब हमारे पेट में है, पता नहीं जब हम बात करना चाहते हैं तब हमारी जबान ही नहीं पलटती। सही कहा, एकदम सही कहा, हमारे साथ भी यही होता है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ इतने दिनों आने के बाद भी हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं तो फिर यहाँ करके अपना टाइम वेस्ट करने का क्या मतलब? देखा भैया आपने, टाइम वेस्ट हो गया ये भी तो इंग्लिश में ही बोला ना। रूही अब तो मुझे बातों में मत पकड़, सर तो कुछ सिखाते हैं नहीं, गांव देहात के आदमी को मूर्ख बनाना कोई बड़ी बात है क्या? वैसे भी यहाँ का आदमी दिमाग लगाता कहाँ है, कोई एक चल पड़ा तो बस उसके पीछे पीछे सब चल पड़े बैलों की तरह। नहीं नहीं वो हम करते थे, कंप्यूटर पहले अंग्रेजी बोलता था फिर वो हम सुनकर हम कंप्यूटर में अंग्रेजी में बात करते थे, और जब तक हम वो सही तरीके से नहीं बोलते थे तब तक उसे कंप्यूटर सही नहीं बोलता था। वो क्या, वो वेवफॉर्म मिलाने वाला? हाँ हाँ वही। अब जब उसमें हम अच्छे से अंग्रेजी बोलते थे तो हमें ऐसे लगा कि चलो भाई हमने तो सीख लिया अंग्रेजी बोलना, पर वो आज वो बालू के बच्चे ने तो हमारा सारा नशा ही उतार दिया था। आप दोनों बिना बात के दुखी हो रहे हो, जितना सिखाया गया है वो आ ही रहा है ना, आगे भी आ जाएगा। तू भी ना रूही, कैसे सीखेंगे जब ये मेथड ही खराब है तो? भैया आप मतलब ये कहना चाहते हैं कि यहाँ आने से पहले आप बहुत बेहतर थे और यहाँ आने के बाद आपको कोई भी फायदा नहीं हुआ? हाँ भैया हमें लगता है कि हमें अपनी समस्या सर से बोलनी चाहिए। हाँ लेकिन बात प्यार से बन सकती है तो उखड़ के बोलने से क्या फायदा? जो बात बननी होती तो कब की बन गई होती। हेलो हाउ आर यू अंजुना, रूही, युवराज, ऑल वेल? एंड सॉरी फॉर बीइंग लेट। लेकिन ये क्या, आप लोगों के लैपटॉप बंद क्यों है? अरे मेरे लिए रुकने की कोई जरूरत नहीं है, चलो अपना लेसन शुरू करो। और वैसे भी ये मेथड ही ऐसी है कि जिसमें किसी के लिए रुकने की कोई जरूरत नहीं, चलो शुरू करो। सर वो हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ बोलो। सर ये इंग्लिश बोलना हम कब तक सीख जाएंगे? गुड क्वेश्चन, आपको क्या लगता है? सर अब हम क्या बताएंगे, आप ही बताइए। ठीक है, क्या क्लास में से कोई इनके क्वेश्चन का जवाब देना चाहेगा?
आप जब चाहोगी तब पूरा अंग्रेजी सीख जाओगी। कैसे? मेहनत से, लगन से, अभ्यास से। सर मेहनत तो बहुत कर रहे हैं हम लोग, पर परिणाम कुछ आ नहीं रहा है। क्यों, क्या चैलेंज क्या है? सर अंग्रेजी को सुनना और शब्दों को बोलना तो सीख गए, पर अभी भी अंग्रेजी में बोल नहीं पाते हैं सर हम लोग। हाँ सर, गांव का इधर उधर का आदमी ऐरा गैरा नत्तू खैरा हम पर हंस रहा है कि हमको अभी भी अंग्रेजी में बात करना नहीं आ रहा है। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ और आप सबसे पूरी तरह सहमत भी हो, लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो आप लोगों की समस्या का समाधान आपके ही हाथ में है। मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। सर हमारे हाथ में सब होता तो ये नौबत ही नहीं आती। सर आप हमें ऐसा आइडिया दीजिए जिसके साथ हम अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे। ठीक है, चलो मैं आप सबको कुछ सुनाता हूं। आप सब शांति से ध्यान लगा के सुनोगे, ठीक है? हाँ। हेलो सर। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, थैंक यू। गुड, हाउ इज लाइफ? गुड सर, वॉट अबाउट यू? परफेक्ट। सो व्हाट इज द टाइम? टाइम इज वेरी बैड सर। नो नो नो, आई एम आस्किंग अबाउट द टाइम इन योर वॉच। सर वो ढाई को क्या बोलते हैं? 2:30। इट इज 2:30 सर। AM और PM? सॉरी सर, इट इज 2:30 PM सर। गुड, सो हाउ इज वेदर? वेरी हॉट सर। आर यू बिजी? नो सर। ओके, सो यू आर फ्री? राइट। गुड, यू आर अ गुड बॉय। थैंक यू सर, एंड यू आर अ गुड टीचर सर। थैंक यू डियर। ओके, आई विल टॉक टू यू लेटर। ओके, श्योर सर। बाय बाय। हाँ तो क्या सुना आप लोगों ने? सर ये तो अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी बोल रहा था। सर ये कौन था सर? मेरा एक स्टूडेंट, वो भी आप ही की तरह गांव का रहने वाला है। अच्छा, अंग्रेजी तो एकदम फर्राटेदार बोल रहा है सर। आप लोग भी बोलेंगे? सर कहने में और करने में बहुत अंतर होता है सर। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, आप लोग अपने घर के छत पे तो जाते होंगे? हाँ जी। कैसे जाते हैं? सीढ़ियां चढ़ चढ़ के। फिर ये बताओ कि अगर उन सीढ़ियों में से अगर पहली और दूसरी पायदान निकाल दे तो क्या होगा? चढ़ ही नहीं पाएंगे सर। राइट, तो क्या हम छत पे पहुंचेंगे? कैसे पहुंचेंगे सर? राइट, तो हमने यहाँ पे अब तक जो भी कुछ सीखा है, समझा है, बातचीत की है, वो हम सबके लिए पहली और दूसरी सीढ़ी है। आगे और भी बहुत सीढ़ियां चढ़नी है, लेकिन वो आप सबको खुद चढ़नी होगी। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, लेकिन असल काम तो आपको ही करना होगा। मतलब सर हम समझे नहीं। देखो अभी आप सबने मेरी और मेरे स्टूडेंट की बातचीत सुनी। तो अगर आप गौर करोगे तो पाओगे कि इस बातचीत के दौरान जो भी शब्दों का प्रयोग हुआ है वो सारे शब्द हम लिखना या बोलना सीख चुके हैं, है कि नहीं? यस सर। जैसे हिंदी में प्रणाम होता है वैसे अंग्रेजी में हेलो हाय कहते हैं। गुड, और नाम को? नेम। हाँ नाम को नेम कहते हैं। माय नेम इज अंजुना। एक्सीलेंट, देखो आप तो लगी अंग्रेजी बोलने। नहीं नहीं सर, वो आज सुबह हमने ऐसे ही खेल खेल में सीख लिया और इतना ही आता है, इससे आगे कुछ नहीं आता। अरे ऐसे ही तो सीखते हैं, कोई भी भाषा सीखने का असली तरीका यही है कि उसे बार बार प्रयोग करना, ठीक है, बातचीत से अभ्यास करना। अगर बोलोगे ही नहीं तो सीखोगे कैसे? सर हम हमारे सहेलियों के साथ इंग्लिश में बात करते हैं लेकिन वो तो हमारा मजाक उड़ा लेती है। अरे तो उड़ाने दो मजाक, लेकिन आप हिम्मत मत हारो, आपस में बातचीत करो, जितना समझ में आता है उतना बोलो और जो नहीं समझ में आ रहा है वो एक दूसरे से पूछो। हाँ लेकिन अगर कोई गलती करे तो उसको सुधारो,
ऐसे ही तो सीखते हैं अंग्रेजी। और हाँ, यही आप सबकी अगली सीढ़ी है। सर ऐसा कीजिए, आप ही हमारे साथ इंग्लिश में बात कर लेना, वो बढ़िया रहेगा। हम आपस में बात इंग्लिश में करके क्या सीख लेंगे पता नहीं। देखो मेरा काम तो मात्र स्कैफोल्डिंग का है। क्या क्या फोल्डिंग सर? फोल्डिंग नहीं, स्कैफोल्डिंग। जब छत बनती है ना तो नीचे से लकड़ियां लगाकर उसे सपोर्ट देते हैं, उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो मैं भी आप लोगों को ऐसे ही हिम्मत और सपोर्ट दूंगा, और वो भी तब तक जब तक आप लोग कच्चे हैं। जैसे ही आप लोग आगे बढ़ने लगोगे मैं धीरे धीरे पीछे हटता जाऊंगा। वैसे ही जैसे ही छत बनने के बाद स्कैफोल्डिंग हटा लेते हैं, अब इसी तरह अब आप लोग आगे बढ़ना शुरू कर दिए हैं। अब तो आप लोग अंग्रेजी के शब्द का उच्चारण, उसे पढ़ना लिखना सब करने लगे हैं। अब समय आ गया है कि मुझे धीरे धीरे पीछे होना होगा ताकि आप सब लोग अपना पूरा विकास कर सके। लेकिन कैसे? अरे वही, ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी में बातचीत करते हुए, सही गलत की चिंता न करते हुए। हाँ शुरुआत में गलतियां होंगी लेकिन धीरे धीरे सुधार भी होगा। ठीक है, ऐसे ही तो सीखते हैं सब। अरे मैं भी ऐसे ही सीखा हूँ। सच्ची? और नहीं तो क्या। हाँ पर आप सबको जो भी शब्द हम सीखे हैं उसे बस जोड़ना होगा। जैसे जैसे शब्द जुड़ते जाएंगे खुद ब खुद वाक्य बनता जाएगा, और जैसे वाक्य से वाक्य जुड़ता जाएगा आप अंग्रेजी बोलते जाएंगे। राइट, परफेक्ट। चलो अभी क्लास खत्म होने में थोड़ा टाइम है और मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है। ठीक है, तो मैं जब तक वापिस ना लौटू आप सब यहीं बैठकर अंग्रेजी में बातचीत करने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है सर? फीलिंग हंग्री। हाँ, मैं जब तक वापस ना लौटू कोई लंच ब्रेक नहीं होगा। आप सब लोग यहाँ पे बैठे बैठे अंग्रेजी में बातचीत करने की प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट फ्रॉम रूही। आई वॉन्ट टू टेल यू। सर 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 मोबाइल सर सर ब्रह्मदत्त।